दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एमसीटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते डेंगू के 176 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में अब तक डेंगू के कुल 487 मामले सामने आ चुके हैं और इससे 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यही हाल चिकनगुनिया का भी है। रिपोर्ट के मुताबिक चिकनगुनिया के अब तक 432 केस दर्ज किए जा चुके हैं। रविवार को ही दिल्ली के जामिया नगर में डेंगू से 18 साल के नौजवान की मौत हो गई थी। डेंगू के सबसे ज्यादा मामले दक्षिणी नगर निगम से सामने आए हैं। यहां अब तक कुल 259 केस दर्ज हुए हैं, जबकि पिछले हफ्ते यहां डेंगू के मरीजों की संख्या 67 रही। डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ रहे मामलों के बाद अब आलम यह है कि दिल्ली के अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। हालांकि सरकार और स्थानीय प्रशासन की तरफ से डेंगू से निपटने की पूरी तैयारियों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि लोग परेशान हैं, बीमार हैं और अपनी जान गंवाने को मजबूर भी। डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए हम भी यही अपील करेंगे कि आप सावधानी बरतें और इससे निपटने के बेहतर उपायों का पालन करें। देखते रहिए टीवी लाइव।